नमस्कार दोस्तों, माय सीबीएसई क्लास में आपका स्वागत है। वर्कशीट 14, सब्जेक्ट साइंस, क्लास 9th, ठीक है, डेट 5/8/2020। ठीक, तो पाठ का नाम परमाणु एवं अणु है। तो आपको दोबारा से बता रहे हैं, इसे ध्यान से पढ़ते रहिएगा क्योंकि पेपर में आपकी बार इसी में से आएगा। उम्मीद है आप सबने ये सब पढ़ लिया होगा, प्रश्न उत्तर भी करने की कोशिश किए होंगे। अब जिसको प्रश्न उत्तर नहीं आ रहे वो यहाँ से देख सकता है, ठीक है। अब आपका पहला है, IUPAC का पूरा नाम तथा कार्य क्या है। ये तो आपने अगर ध्यान से वर्कशीट पढ़ी होगी तो वो ये यहीं पे लिखा हुआ है, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, एक अंतर्राष्ट्रीय जो तत्वों के नामों संस्था है, जो तत्वों के नामों, प्रतीकों और मानकों को मान्यता देती है। तो आपको यहाँ से लेके IUPAC से लेके मानकों को मान्यता देती है, यहां तक लिखना है, अंतरराष्ट्रीय संस्था है, ठीक है। क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट हो गया। अब सेकंड में चलते हैं, नीचे लिखे तत्व को ऊपर पजल ग्रिड में अंकित कीजिए और इनके प्रतीक भी लिखिए। तो नीचे जो ये कुछ तत्व दिए गए हैं इनको इसमें से खोज के मतलब सही क्रम में लगाना है। तो इनका तत्वों का प्रतीक भी लिखना है, तो तत्वों का प्रतीक मैंने पहले लिख रखे हैं, ठीक है। पहले हम पजल सॉल्व कर लेते हैं, फिर तत्वों का प्रतीक लास्ट में लिख लेंगे। तो सबसे पहले है सोडियम, ठीक है, सोडियम। तो हिंदी वाले सोडियम यही लिखेंगे, लेकिन मिलाना हमें इंग्लिश वाले से होगा। तो सोडियम कहाँ मिलेगा, ये रहा सोडियम, SODIUM, सोडियम, ठीक है। याद है ना, जैसे बच्चों वाला खेल वो पहले खेलते थे वैसे ही खेलना है, ठीक है। अगला है आपका हाइड्रोजन, HYT, हाइड्रोजन, HYD, ROGEN, हाइड्रोजन, पूरा यहां से देखिए इसको ऐसे। आपको वर्कशीट में करना क्या होगा, ये आपको या तो पूरा बनाना पड़ेगा ये पजल, फिर उसमें ऐसे करना होगा क्योंकि उसने कह रखा है कि बनाइए, फिर उसमें ऐसे आपको करना है, या तो कहीं से प्रिंट आउट निकलवाइए इसका, ठीक। अगला है आपका हाइड्रोजन तो हो गया, पोटेशियम, POTA, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, POTA, हीरा, POTA, POTAS, एक बार स्पेलिंग देख लेता हूं मैं, SSUM, कंप्लीट पूरा ये पोटेशियम, ठीक, पोटेशियम हो गया। अब है आपके पास अगला हीलियम, HELI, हीलियम, हीलियम, HELIUM, हीलियम, ये यहां से बनेगा आपका हीलियम, ठीक। अगला है ऑक्सीजन, तो बार बार ऊपर नीचे करने से अच्छा है यहीं पर रखता हूं। अगला है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये रख, क्लियर है, OXYGEN, ऑक्सीजन। अगला है एल्यूमिनियम, ALU, तो यही मिल गया, ALU, ALUM, आई, वो सब कंप्लीट है, MINIUN, एल्यूमिनियम, ठीक। नेक्स्ट है आपका गोल्ड, ठीक है, GOLD, देखो गोल्ड साफ साफ दिख के पास में ही, गोल्ड। दूसरे पेन का कलर इस्तेमाल करता हूं ताकि मिक्स ना होए। अगला है आयरन, हिंदी में है लोहा, आयरन, 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 IIIRON, आयरन, ये रहा आयरन, ठीक। अगला है आपका सीसा, इंग्लिश में लेड, LEAD, तो लेड, LEAD, LEAD, ये रहा लेड, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है बोरोन,
BORON बोरोन, ये रहा आपका। ठीक, नेक्स्ट इसमें दिया गया है बोरोन, चांदी इंग्लिश में है सिल्वर, तो सिल्वर आसानी से मिल जानी चाहिए। ठीक है, सिल्वर सिल्वर एस एस, एस एस आई 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 एल वी ई आर सिल्वर, ये रहा। ठीक है, सिल्वर। अब थोड़ा मार्क का इस्तेमाल कर लेता हूँ। ठीक है, अगला है कॉपर, कॉपर भी आसान से मिल जाना चाहिए, सी ओ सी ओ डबल पी सी ओ डबल पी, देखो ये रहा सी ओ डबल पी ई आर कॉपर। ठीक, नेक्स्ट है आपका जिंक, जेड जिंक जिंक। अगला है नियॉन, एन ई ओ एन, तो नियॉन है आपका एन ई ओ एन, ये रहा एन ई ओ एन नियॉन। ठीक, तत्वों के प्रतीक कहाँ है वो आप यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, सोडियम का एन ए, हाइड्रोजन का एच, ठीक है, पोटेशियम का के, हीलियम का एच ई, ऑक्सीजन का ओ, ठीक है, एल्यूमिनियम का ए एल, सोना ए यू, लोहा एफ ई, सीसा पी बी, ठीक है, लेड इसका प्रतीक है पी बी, बोरोन पी, चांदी सिल्वर प्रतीक है इसका ए जी, कॉपर सी यू, जिंक जेड एन और नियॉन एन ई। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, माय सीबीएसई क्लास के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।